हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटरोला एज 30 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप क्विक कैप्चर सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, और ये क्विक कैप्चर सेटिंग जो है इनेबल करने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए और आपको नीचे की साइड में आना है और यहाँ पर आपको सिस्टम का ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिस्टम पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको सिस्टम के इस पेज में जेस्चर का ये ऑप्शन मिल जाएगा, जेस्चर पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको जेस्चर के इस पेज में क्विक कैप्चर का ये ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको क्विक कैप्चर के इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको एक बटन मिल जाएगा, ठीक है, इस बटन को आपको सेलेक्ट करना है तो ये सेटिंग आपकी इनेबल हो जाएगी, यानी कि ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्विक कैप्चर सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो जब भी आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन ऑन होगी, ठीक है, इस तरीके से मोबाइल फोन की स्क्रीन ऑन होगी तो आपको अपने मोबाइल फोन को हाथ में पकड़ना है, और इस तरीके से जो है ट्विस्ट करना है अपनी कलाई को जो है ट्विस्ट करना है अपनी रिस्ट को, ठीक है। और ध्यान रखिए कि आपको जो है ट्विस्ट करना है तो आपको जो है थोड़ा सा झटके में करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है काफ़ी देर कोशिश करने के बाद जो है मेरा ये कैमरा ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मेरा जो ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल में मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा जो है सेकेंड कैमरा है जिस सेकेंड मोबाइल से मैं अपना जो है ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं अपने फ़ोन को जो है ठीक से झटके से हिला नहीं पा रहा था इस तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए जो मेरा जो कैमरा वो ऑन नहीं हो पा रहा था। आप अगर खड़े होकर इस सेटिंग को जो है ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, अपने मोबाइल फोन को हाथ में लेकर, तो आपके मोबाइल फोन का कैमरा जो है वो ऑन हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। ये आप एनिमेशन में भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है क्विक कैप्चर सेटिंग जो है कुछ इस तरीके से काम करती है आपके मोटोरोला एज 30 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फोन में।